हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैसन कंपटीीशन में। आइए आज देखते हैं 18 सितंबर 2016 के हुए सीटेट के पेपर को। इसमें हम लोग सीटेट के CDP के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यानी कि बच्चे का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करना है, उसके माइंड का संप्रत्यात्मक विकास को अगर आपको प्रोत्साहन देना है कि वह बच्चा कॉन्सेप्ट बनाना सीख सके, तो इसके लिए कौन सी विधि का आप उपयोग करेंगे? पहला है कि विद्यार्थियों को बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है कि जब तक विद्यार्थियों में वो वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तीसरा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। चौथा, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर वन, कि आप विद्यार्थियों के क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरण देंगे अलग अलग प्रकार के। जब उनके सामने एग्जाम्पल को रखेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, तो इनसे उनके जो तर्क शक्ति है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका वह उपयोग करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें आप किस प्रकार का एनवायरनमेंट देंगे, किस प्रकार का परिवेश, किस प्रकार का वातावरण देंगे जिसमें उनका जो लर्निंग प्रोसेस है यानी कि उनका जो सीखने का तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा विकास हो पाएगा। पहला है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। दूसरा है कि जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तीसरा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चौथा है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले से ही समझ में आ रहे हैं कि ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की बात कर रहा है, तो बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। शिक्षक एकाधिकारवादी जी नहीं, शिक्षक की एकाधिकारवादी नहीं होना चाहिए, बच्चों को केंद्रित केंद्र में रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, NCF हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। फिर पहला है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र हो। क्या बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उन्हें खेल कूद से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें विभिन्न उदाहरणों को देकर उन्हें ग्रुप में लर्निंग कराना चाहिए। ठीक है, हमारा जो कंस्ट्रक्टिव है, जो पियाजे है, वाइगोस्की हैं, वो भी इस बात पे बल देते हैं कि जो बच्चों का लर्निंग का प्रोसेस है वो कैसे करवाना चाहिए, उनका जो लर्निंग का प्रोसेस है वह तो ठीक है, तो क्यों ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और जहाँ पर वह यह फील कर सके, वह अनुभव कर सके कि वह क्या है, इम्पोर्टेंट है, वह महत्वपूर्ण है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। यानी कि बच्चा पहचान पा रहा है कि यह क्या होता है, पक्षी कैसा होता है। वह उसके दो पंखे होते हैं, एक मुंह होता है, नाक होता है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। यानी कि बच्चे के जो माइंड में पहले से ही पक्षी का चित्र बना हुआ है, ठीक है, तभी वह पहचान पा रहा है कि कौवा क्या है, एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बी है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो देखिए तीनों ही सही हैं। बच्चे की जो मेमोरी में पहले से ही पक्षी का जो चित्र है भंडारित था, तभी उसने पहचान लिया। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय भी विकसित हो चुका था, कि कॉन्सेप्ट भी विकसित हो चुका था कि पक्षी का सेप साइज कैसा होता है, कि यानी कि जो पक्षी होता है वो उड़ सकता है, उसके दो पंख होते हैं, आँख होते हैं, ठीक है, टांगे होती हैं, एक पोछ होता है। सी है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। जी हाँ, अगर वह भाषा नहीं जानता तो कैसे बोल पाता कि यह एक पक्षी है, तो यानी कि बच्चा जो है उसके अंदर भाषा का भी विकास हो चुका है। तो हमारा ABC तीनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यानी कि एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों को ऐसा क्या कर कहे कि जिससे बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए किसी भी कार्य को करने के लिए। पहला है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो जहाँ पर भी लर्निंग की बात हो, सीखने की बात हो, जहाँ पर भी रुचि की बात हो कि बच्चा इंटरेस्ट लेके सीख रहा है, वह हमेशा इंटरनली मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे कोशिश करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हैं। फिर से सेम क्वेश्चंस है कि कोई शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को लर्निंग करने के लिए कैसे इंटरनली रूप से मोटिवेटेड कर सकती है। पहला है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दूसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। तीसरा है उनमें चिंता और डर पैदा करके। चौथा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो जहाँ पर भी कुछ देने की बात हो वह एक्सटर्नली मोटिवेशन हो जाएगा। उनमें डर पैदा करना ऐसा करना ही नहीं है, आरटी इसका अधिकार नहीं देता है और ना ही बच्चों को कंपटीशन करवाना है, बल्कि इसके जगह पर उन्हें सहयोगात्मक शिक्षा देनी है कि बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करके सीख सके। तो बच्चा हमारा पहला यही सही है कि पहले बच्चों का क्या करना है, लक्ष्यों को निर्धारित करना है। प्रत्येक बच्चे का क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है, तो हमें यह पहले देखना है कि कौन सा बच्चे का क्या लक्ष्य हो सकता है, कौन किस फील्ड में अच्छा है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, कोई खेलने कूदने में अच्छा है, कोई गाना गाने में अच्छा है, ठीक है, तो उसको निर्धारित करना है। फिर उसके बाद उन्हें उसमें निपुणता पाने में मदद देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी कि कोई बच्चा अगर प्रारंभिक कक्षा में है तो एक प्रभावशाली शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है कि वह बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करे। पहला है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दूसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तीसरा है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। चौथा है रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को सीखने के लिए सिखाएं और उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें जिससे कि वह किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जबकि बच्चों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करनी है और ना ही केवल उनका रिजल्ट जो है परीक्षा के अंत में देखना है, बल्कि बच्चों को जब पढ़ाएं उसी टाइम उनका अवलोकन करें और समझें कि वह कहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं और उनके गलतियों को दूर करें समझाकर विभिन्न विधियों का उपयोग करके। रटकर याद करने पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि बच्चों को समझाना है, करके सिखाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। पहला है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, फिर प्रतियोगितात्मक कक्षा, या तीसरा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, चौथा है आपका शारीरिक दंड। तो इसका सही जवाब है ए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रतियोगिता नहीं करवाना है बच्चों का और ना ही तुलना करना है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड देना है, बल्कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उनके क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उस प्रकार से लर्निंग करवाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो जो सिरह पदाभिमुख दिशा है इसी को सिरोपदोन्मुखी भी कहते हैं और इंग्लिश में सेफेलोकॉडल कहते हैं। तो यह जो दिशा होती है इसमें जो बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है इसी को लंबवत विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे का विकास कहाँ से कहाँ होता है, सर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर एक सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। इसी क्वेश्चन को और भी दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाग किस अवस्था में बच्चे का जो भाषा विकास तीव्र गति से होता है, तो किस में होता है। ऑप्शन ए है वयस्क अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, तीसरा जन्म पूर्व का समय या मध्य बचपन का समय। तो आपका सही जवाब है प्रारंभिक बचपन का समय। इसी को पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है या इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। क्या अर्ली चाइल्डहुड, इसमें जो बच्चा का एज होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो भाषा विकास होता है कि भाषा विकास के प्रति संवेदनशील होता है या फिर यह कह लीजिए कि भाषा विकास का तीव्र गति से विकास होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि 6 वर्ष की एक लड़की है जो कि खेल कूद में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती हैं और उसके जो माता पिता हैं वो खुद भी खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही साथ उसे रोज प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए कोच भी अपॉइंट किए हुए हैं। ठीक है, तो जब बच्चे के माता पिता खुद क्या है खिलाड़ी थे, तो बच्चे के अंदर क्या है अनुवांशिकता में भी उसे क्या है यह गुण प्राप्त हुआ है और साथ ही उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि वातावरण से भी उसे क्या हो रहा है यह खिलाड़ी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा, तो किसका परिणाम होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, आनुवंशिकता और पर्यावरण, चौथा है वृद्धि और विकास। तो इसका ऑप्शन, इसका जवाब हमें प्रश्न में ही मिल जा रहा है, माता पिता से उसे यह गुण प्राप्त हुआ यानी कि आनुवंशिकता और उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है यानी कि इन्वायरमेंट। तो इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। इंग्लिश में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग और सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन किस में होता है। पहला है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, दूसरा परिवार और रिश्तेदार, तीसरा परिवार और पास पड़ोस, चौथा है विद्यालय और पास पड़ोस। तो जिसमें भी परिवार है वह आपका हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत होगा। तो जब भी पूछा जाए कि बच्चा का जो प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। ठीक है, तो परिवार पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में है भी है, तीसरे वाले में है, तो इन तीनों में क्या होगा आपका प्राथमिक समाजीकरण, बच्चा क्या चौथा विद्यालय और पास पड़ोस, तो इसमें हमारा गौड़वाहक होगा यह समाजीकरण का, यानी कि यह द्वितीयक समाजीकरण इसमें होगा। ठीक है, परिवार को छोड़कर चाहे जो भी आता है, चाहे आपका विद्यालय है, चाहे धर्म है, चाहे समुदाय है, चाहे संस्थाएं, ये सब कैसे साधन है, ये समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसी को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चे का जो संज्ञान का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वह समाज से अंतःक्रिया करके होता है, समाज से अन्योन्क्रिया करके होता है। साथ ही इन्होंने संस्कृति और भाषा पर भी विशेष बल दिया था। तो इसका कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। जहां पर भी वाइगोत्स्की है तो समझ लीजिए समाज की बात कर रहा है, तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों को विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी कि बच्चा इसलिए ईमानदार बनना चाहता है क्योंकि वह अगर ईमानदार बनेगा तो उसके माता पिता उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे। ठीक
ठीक है, तो यानी कि किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए वह खुद को अच्छा बना रहा है, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल वाला आपका स्टेज 3 की बात हो रही है। तो क्या होगा इसका, अच्छा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, दूसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्भलन, तीसरा है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, चौथा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। जिन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो जिन पियाजे रचनावादी में आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं, इनके साथ ही साथ जहाँ पर वाइगोस्की की बात हो, ब्रूनर की बात हो, तो ये सब किस में आते हैं, रचनावादी में आते हैं। और जो रचनावादी होते हैं वो हमेशा बच्चों को एक्टिव देखना चाहते हैं, उनका कहना मतलब है कि बच्चे जब सक्रिय रहेंगे तो वह अच्छे से सीखेंगे, बच्चे करके सीखेंगे, ठीक है। और जो टीचर हो वो कैसा हो, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए, सुविधादाता की भूमिका निभाए, और जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन देखिए कि शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यही सही होगा। बच्चा सक्रिय रहेगा तो वह क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, खोजबीन करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, क्या जाना जाता है इन्हें? पहला है सामीकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, तीसरा समायोजन और अनुकूलन के रूप में, चौथा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, समावेशन और अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, इसी को इंग्लिश में एसिमिलेशन एंड एडॉप्टेशन कहते हैं। जिन पियाजे ने स्कीमा की बात की है, स्कीमा क्या होता है जान लेते हैं। जो कुछ हमारी मेमोरी में पहले से स्टोर है, जिसका कॉन्सेप्ट पहले से ही हमारे माइंड में बना हुआ है, वो स्कीमा होता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को देखकर पहचान ले रहे हैं, तो हम इस उसे केवल इसलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि पहले से ही हम उसे जानते हैं, ठीक है। अगर हम अपने माइंड में कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि समावेशन कहते हैं। अगर हम अपने माइंड में कोई चीज़ पहले से ऐड कर लिए, उसमें कुछ गलती है, अब उसमें कुछ चेंज करके नई चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, यानी कि उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो हमारा एडॉप्टेशन होता है, यानी कि समायोजन कहलाता है। तो एडॉप्टेशन क्या होता है, समावेशन, जबकि एसिमिलेशन क्या होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।